सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हनी, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और निराश्रित गौ आश्रय स्थल के लिए भी मैंने पिछली बार विस्तार से इसके बारे में बताया है। दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए भी इस बजट में प्रोत्साहन निधि की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोर्ड सब्सिडी योजना, इन सब के लिए भी व्यवस्था की गई है। और जल जीवन मिशन, हर घर नल के लिए भी 22-23 के बजट में 19,500 करोड़, 23-24 के बजट में 21,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को हम आगे बढ़ा सके। महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए हमारे मान्य सदस्य इस बात को जानते हैं कि 2017 के पहले बाढ़ की स्थिति प्रदेश के अंदर क्या थी। चौंतीस से लेकर 38 जनपद ऐसे थे जो अति संवेदनशील और संवेदनशील थे। आज हमने इसके दायरे को कम किया है, नदियों के ड्रेजिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, नदियों को चैनलाइज किया है और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया जा चुका है। 23-24 में 277 परियोजनाओं को भी पूर्ण करने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए, वे बड़ी परियोजनाएं हैं, मध्यम सिंचाई की परियोजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, उनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में किया गया है। और अन्य नदी कटान से अन्नदाता किसानों की उपजाऊ भूमि को रोकने के लिए, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, शिक्षा सेक्टर में भी इस सरकार का पूरा फोकस है और इस पर सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी, इन सभी शिक्षा सभी पे फोकस करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा किया है, अच्छा करने का प्रयास किया है। अगर इसमें देखेंगे पहले क्या होता था प्रदेश में, कहां हम प्रदेश को लेकर चले गए थे। मध्य प्रदेश की एक छोटी सी झलक अगर आप इसके बारे में मैं बताऊं, प्रदेश के अंदर ये 2015 का है, विकास के हर मोर्चे पर पिछड़ा यूपी। वर्ष 2013-14 में राज्य की जीडीपी 5.8% गिरकर 5 पर आ गई है। कृषि के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का की भी सुस्त रफ्तार, ये 2015 की है। नेशनल सैंपल सर्वे 2015 शर्मनाक लखनऊ में देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार। पांच मार्च 2015 BRGF घोटाला, लुटता रहा सरकारी पैसा, किसी ने देखा नहीं। हर जिले में उड़ी नियमों की ध्वजियां, निगरानी तंत्र रहा महज कागजी, ये सुर्खियां होती थी। और शिक्षा की बात करूं मैं, ये भी है सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते, ये 2015 का। 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, ये उत्तर प्रदेश का है 20 अगस्त 2015। 91.2%
बच्चे तीसरी कक्षा के बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। 75% बच्चे पांचवी कक्षा के बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते। 69% पांचवी कक्षा के बच्चे घटाना भी नहीं जानते। 67% चौथी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा या हिंदी का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। ये 2015 की स्थिति थी। और इन बच्चों के बारे में ध्यान देने की बजाय नेता अफसर के बच्चे पढ़ते तो क्या ऐसे ही बदहाल होते स्कूल, ये भी टिप्पणी थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल, रिजल्ट के लिए दो दो साल का इंतजार करते हैं अभ्यर्थी। इज़राइल दुनिया का वो इकलौता इंटरव्यू में नियमों की अनदेखी, उसके दोस्त और दुश्मन, स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल। इस देश ने अब एक ऐसा टैंक बना लिया है जो अमेरिका और में, यानी अपने दोस्त संदीप चौहान, यानी ये प्रदेश की स्थिति थी। खुदकशी पर सियासत, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं। रिजल्ट के लिए दो दो साल का इंतजार करते हैं अभ्यर्थी, और सरकार, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें इस पर राजनीति, उसके दोस्त और दुश्मन, स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल। इस देश ने आत्महत्या या हार्टटैक से 100 से ज्यादा मौतें, यानी अपने दोस्त संदीप चौहान, यानी ये प्रदेश की, ये राज्य की स्थिति थी। 2014 में सूखा, रुपये 490 करोड़ मिले पर बंटे नहीं। रिजल्ट के लिए तो ये भी 17 मई 2015 का है, और सरकार, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार ये इस पर मान्य और प्रदेश में होता था। स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल। आत्महत्या या हार्टटैक, पूरा सूबा तो छोड़िए, महज 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंच सकी मदद। और 15 की एक और सुर्खी है, सीएम ने माना किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये है मजबूरी। नहीं, ओह, सवाल ये है, आप जैसा प्रश्न करेंगे वैसे उसका चल। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा, नहीं उस समय की क्या सुर्खियां थी। अरे आप तो बेकार हैं, अब क्यों बेकार होकर रहे हैं? आप भी वही मुद्दे जो मैं बोल रहा हूं उसको आपने भी उस समय उठाया होगा। आप काहे परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए उस समय हम उठाते थे, आज सरकार ने उसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है, उसको हटाने के लिए, उससे मुक्ति के लिए सरकार का अभियान चल रहा है। जब आप 12 से 17 की सरकार की टिप्पणी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आपकी स्थिति वही हो जाती है कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे कम से कम आपको तो नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसके हिस्से रहे हैं, बोलते रहे हैं उस समय। और इसीलिए मैंने याद दिलाया है, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव, विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति थी, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी, नियुक्तियों में लेट लपी थी, कौशल विकास पर सरकार का कोई फोकस नहीं, भविष्य के दृष्टिगत नवीन पाठ्यक्रम को लेकर कोई रोडमैप नहीं, और मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार व्याप्त थी। महोदय, 2017 के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमारे 91% से अधिक स्कूल अब तक सैचुरेट हो चुके हैं। 2016-17 में जो मात्र 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ते थे, आज ये संख्या 1,91,00,000 हो चुकी है। प्रदेश के अंदर ड्रॉप आउट रेट लगातार घटा है, और प्रदेश में शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। डिजिटल लर्निंग में गुणवत्ता शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की स्थापना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है।
निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग आदि के लिए अभिभावकों के खाते में गत वर्ष से हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से धनराशि देनी प्रारंभ की है। 1200 रुपये प्रति छात्र भेजी जा रही है। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है। उन वंचित क्षेत्रों में जहां पर कभी स्कूल नहीं बन पाए थे, बनटांगिया गांव हैं, बहुत छोटे छोटे समूह हैं, उन सभी तक भी हम पहुंचने की कार्रवाई को हमने बजट में भी उसकी व्यवस्था की है। शिक्षा माफिया पर नकेल कसी गई है। नकल विहीन स्वच्छतापूर्ण परीक्षा व्यवस्था आज प्रदेश की पहचान बन रही है। अब इस असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हो रही है। स्मार्ट क्लास, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और डाटा प्रबंधन, ये सभी इसमें आज बन रही हैं। और महोदय, इन सब के साथ साथ माध्यमिक में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस रहे हों उनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और यानी शासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करेगी, जिससे जर्जर बिल्डिंग के नीचे बच्चों को पढ़ना ना पड़े, उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल सके, इसके लिए भी जज में इसका व्यवस्था किया गया है। संस्कृत विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालय जर्जर थे, संस्कृत भारतीय संस्कृति की आधार है, इसके लिए भी उन विद्यालयों के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और संस्कृत को प्रोत्साहन करने के लिए स्कॉलरशिप, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। उच्च शिक्षा में प्रदेश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाए गए हैं। पहली बार 11 विश्वविद्यालयों ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में सहभागिता की है। 4 विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग के लिए उस रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। और प्रदेश के अंदर असेवित जो हमारे कमिश्नरी थी उनमें विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी पैसे की व्यवस्था बजट में की गई है। इसमें देवीपाटन मंडल में, मिर्जापुर मंडल में और मुरादाबाद मंडल में भी इसकी व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही यूथ के लिए एक CM इंटर्नशिप की स्कीम भी लागू की गई है। BA, BSc, BCom पढ़ने वाले छात्र टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए हमने पहले से इसको घोषित किया है, लेकिन इन छात्रों को भी हम इंटर्नशिप के साथ जोड़ेंगे और उन्हें अनुभव भी हो सके, वे अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने स्वयं पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए भी आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी या इंस्टीट्यूशन देगा, आधा शासन देगा। इस व्यवस्था के साथ तो इंटर्नशिप स्कीम भी हम लोगों ने लागू की है। उत्तर प्रदेश के युवा, कोरोना कालखंड में हमने देखा था हमारे लगभग 14,000 से 15,000 छात्र ऐसे थे जो राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन होने और उन छात्रों को वापस घर में लाने की जब समस्या आई, हम लोगों ने उस समय यहां पे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को वहां भेजा था, उन्हें सुरक्षित वापस लाने का काम किया। और उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी कि अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हम प्रारंभ करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं भी जाने की नौबत ना आने पाए। उनके जनपद में, उनकी कमिश्नरी में उन्हें सुविधा प्राप्त हो सके। सभी 18 कमिश्नरी में पहले से सुविधा प्राप्त हो चुकी है। 75 जनपदों में इसे ले जाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है।
और उन छात्रों को अलग अलग सुविधाएं दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 43 छात्र वे आए हैं जो अभ्युदय कोचिंग से, जिन्होंने कोचिंग ली थी, वे छात्र उस भी उसमें स्थान प्राप्त किए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर न्यू एज कोर्सेज को ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक कोर्सेज को भी आज पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में बाजार की जरूरत के अनुरूप हम स्किल युवाओं को तैयार करने पर जोर दे रहे हैं और उसके लिए इन कोर्सेज को आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश के अंदर खेल सुविधाओं के विकास के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हुई, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बढ़ाया गया। प्रदेश के शासकीय सेवाओं में उन्हें स्थान मिले, इसके लिए हम लोगों ने जहां भी संशोधन करने थे एक्ट में संशोधन करके उस प्रकार की व्यवस्था की और भर्ती कुछ यूथ को भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा चुका है, कुछ प्रचलित है। बहुत शीघ्र लगभग 600 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की सेवा, विभिन्न सरकारी सेवाओं में भी वे लोग अपना योगदान दे पाएंगे। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए चिन्हित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि वहां के उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार का पूरा सपोर्ट उनके साथ में है, वे लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को अपने तकनीकी संस्थानों को हम ODOP विश्वकर्मा श्रम सम्मान इन योजनाओं से जोड़ करके उन्हें युवानुकूल बनाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वोकेशनल एजुकेशन का टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक 150 आईटीआई के तकनीकी उन्नयन के लिए एक MOU पर हम लोगों ने साइन किया है, जिसमें 12% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 88% यह टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लगाएगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसमें टाटा की कंपनियां उन युवाओं को अपने यहां न केवल प्रशिक्षण देगी बल्कि उनके समायोजन के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवाएगी। हर वर्ष 35,000 यूथ इससे जुड़ेगा और 10 वर्ष का ये MOU प्रारंभ होने जा रहा है। अगले 9 महीनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कार्रवाई होने के साथ ही इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह एक अवसर है। इसके साथ ही इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ ही युवाओं, प्रदेश के युवाओं को, 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। महोदय, सामाजिक सुरक्षा में भी प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं वह बहुत अच्छी दिशा में कार्य हुए हैं। एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है, निराश्रित महिला पेंशन 12 से 17 के बीच में 17 लाख महिलाओं को सुविधा मिलती थी, 500 रुपये की पेंशन मिलती थी और आज हम 31 लाख महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना सुविधा दे रहे हैं, यानी 1,000 रुपये महीने सुविधा देने जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन 37 लाख लाभार्थी थे 12 से 17 के बीच में, 500 रुपये की राशि उन्हें उपलब्ध होती थी, आज इस 37 से बढ़कर के 56 लाख लाभार्थी हैं और इन्हें भी 12,000 रुपये सालाना सुविधा हम देते हैं।
इसमें 1000 रुपये की राशि 12 से 17 के बीच में इसके लिए बजट का प्रावधान था मात्र 1550 करोड़, आज इसके लिए बजट का प्रावधान है 7948 करोड़। दिव्यांगजन पेंशन, 8 लाख लाभार्थी थे, 300 रुपये पेंशन मिलती थी, राजभर जी ने 500 रुपये करवाया था, और फिर आज 11 लाख लाभार्थी हैं और लाभार्थी प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये पेंशन दी जा रही है। 23-24 में आपके 12 से 17 के बीच में कोई बजट का प्रावधान नहीं था, 23-24 में 1552 करोड़ 75 लाख रुपए की व्यवस्था इसके लिए की गई है। और इसी प्रकार से कुष्ठावस्था पेंशन के लिए भी 11,430 लाभार्थियों को 3000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की जा रही है, इसके लिए 42 करोड़ रुपए की राशि उन लाभार्थियों के लिए इसमें उपलब्ध करवाई गई है। महोदय, अलग अलग सेक्टर में अगर हम देखेंगे, निराश्रित महिला पेंशन के साथ ही प्रदेश के अंदर का मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसमें 14 लाख से अधिक बेटियां इससे लाभान्वित हो रही हैं, 14,72,000 बेटियों को इससे सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है और उन्हें एक पैकेज के रूप में 15,000 रुपये पूरे कालखंड के दौरान उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लगभग 2 लाख बेटियों की शादी इसके माध्यम से अब तक संपन्न हो चुकी है, 31,000 से 51,000 रुपये उस राशि किया गया है। और जब योजना लागू हुई थी उस समय तमाम प्रकार की बड़ी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने उस समय इसका विरोध किया था, ये 2 लाख बेटियां थी जिनका विवाह इसके माध्यम से हुआ है। और अभी तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,74,00,000 लाभार्थी हैं, उनको हम लोग साल में 2 सिलेंडर फ्री देने जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। यह सरकार की तो योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं और जिनको हम लोग आज भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ रहे हैं। महोदय, चिकित्सा सेक्टर में कोविड आज हम देख सकते हैं न्यूनतम स्तर पर है, एकदम समाप्त। प्रबंधन, कोऑर्डिनेशन इसका परिणाम है, 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी गई, लगभग 40 करोड़, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा गया। पिछले 3 वर्ष से हर गरीब को, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जिससे भुखमरी की स्थिति ना आने पाए। लगभग 13 करोड़ अब तक टेस्ट हो चुके हैं और क्या स्थिति थी इससे पहले, आप लोगों का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का बजट ही 12,000 करोड़ रुपए से कम का था, आज ये बजट 30,870 करोड़ रुपए का 23-24 में होने जा रहा है। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम ELS यूपी में 2017 के पहले नहीं थी, भारत सरकार एम्बुलेंस देना चाहती थी लेकिन राज्य सरकार नहीं लेना चाहती थी। जब उस समय के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि भारत सरकार फ्री में दे रही, हमने कहा भी तत्काल ले लो, और आज 500 ELS हर जनपद में, प्रदेश के अंदर हर जनपद में प्रदेश की जनता को अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना 1,16,84,453 लाभार्थी
परिवार, यानी ये इतने परिवार हैं लाभार्थी, इसका 5 गुना लगभग 6 करोड़ से अधिक परिवार, 6 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं। और इसमें अब तक, महोदय इसमें 1448 करोड़ रुपए जिन लोगों ने लाभ लिया है उन परिवारों को ओर से भुगतान किया गया है, जो बीमा कवर मिला है ये भुगतान भी हो चुका है। डायलिसिस की सुविधा आज हर जनपद में बढ़ रही है। ये दुर्भाग्य है कि किडनी फेलियर के मामले आ रहे हैं, नए नए यंग नौजवानों के, पूरे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। लेकिन सिस्टम बैठा नहीं है, डबल इंजन सरकार भी सुविधा उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास कर रही है। हम किसी के लिए मना नहीं करते। लखनऊ की ओपीडी की बात हो रही थी, राज्य के लोग तो आते ही हैं, अगल बगल के राज्यों के और राष्ट्रों के लोग भी आते हैं, लखनऊ में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, आगरा, नोएडा, इन जगहों पर आते हैं। ये मानवता की सेवा है, हम इसमें भेद नहीं कर सकते। कोई भी आएगा उसको सेवा देंगे और भरपूर सहयोग करेंगे और उसके तहत कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, महोदय अब तक 11,72,29,000 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। 2,670 गंभीर रोगियों को हायर सेंटर में रेफर किया गया है और 11,80,000 से अधिक गोल्डन कार्ड भी जारी हुए हैं। प्रदेश के अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए भी बजट का प्रस्ताव किया गया है। महोदय 17 के पहले हम लोगों को तस्वीर तो देखने को तब मिली थी जब कोविड आ गया, यानी ज्यादातर जनपद ऐसे थे जिन पे कोई वेंटिलेटर ही नहीं था। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों के पास अपने वेंटिलेटर हैं, आईसीयू की सुविधा है और उनको टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन की सुविधा के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। और प्रदेश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण का जो कार्यक्रम हुआ है, स्वास्थ्य विभाग को अनेक पुरस्कार मिले। कोविड प्रबंधन तो है ही, लेकिन मलेरिया उन्मूलन के लिए, डेंगू के लिए, कालाजार, चिकनगुनिया और इंसेफ्लाइटिस, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, तराई क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कितनी संवेदनहीन थी वे सरकारें जब बच्चे तड़प तड़प करके मरते थे और समय कालकल्पित होते थे। बच्चा तो बच्चा है, क्यों उसके साथ इस प्रकार का वो कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है डबल इंजन सरकार ने 96% इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह रोक दिया है। अब बच्चों की मौत नहीं होती है और संचारी रोग नियंत्रण के लिए साल में 3 से 4 बार विशेष संचारी रोग नियंत्रण के अभियान भी चलते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। MBBS और पीजी की सीटें भी बढ़ी हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम योजनाओं के लिए भी पीकू बेड्स की संख्या आज यहां पर प्रदेश के अंदर काफी बढ़ाई गई। ये पीडियाट्रिक आईसीयू होता है, 16-17 में केवल 150 थी, आज इनकी संख्या बढ़ करके 6,700 से अधिक हो चुकी है। मिशन निरामया में 300 संस्थाओं में नर्सिंग और पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं।
33 वर्षों से बंद पड़े 35 एएनएम सेंटर में प्रशिक्षण फिर से प्रारंभ हो गया है। आप सोचिए जिन बेटियों को वहां एडमिशन मिला होगा, उसके बाद रोजगार की गारंटी होगी। लेकिन इसके लिए संवेदना चाहिए। पोषाहार में महिला द्वारा, महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा आज रेसिपी आधारित टेक होम राशन के आधार पर वितरण की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1,77,000 से अधिक स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। सारे डाटा अपलोड हो रहे हैं। और अगर प्रदेश के अंदर हम लोग राष्ट्र नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर बेहतर काम करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, रिजल्ट अच्छे आए हैं, कुछ में नेशनल एवरेज और कुछ में नेशनल एवरेज से भी आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश आज काम कर रहा है। ये हेल्थ सेक्टर की स्थिति है। और प्रदेश के अंदर अभी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में भी कार्य प्रारंभ किया है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी प्रदेश के अंदर किया गया है। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार के द्वारा जिस प्रतिबद्धता की आवश्यकता होनी चाहिए वह दिखनी भी चाहिए थी। महोदय, ऐसे ही अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भी मैंने कुछ पहले बात की भी है, इसमें इस सेक्टर में भी अच्छा प्रयास हुआ। हमारी जो एमएसएमई दम तोड़ रही थी हर जनपद में था, आपके तो फिरोजाबाद में भी ग्लास का बहुत अच्छा काम होता है, पता नहीं आपने निवेश किया कि नहीं किया, आपको करना चाहिए था इसमें, अगर करते तो अच्छा रहता, लोग देखते, कम से कम आप अपने उत्पाद को दुनिया के मंच पर पहुंचाते। और मेरा मानना है आज भी फिरोजाबाद का हमारा जो कारीगर है बहुत अच्छा काम करता है। उनके सामने परेशानी थी, उस परेशानी से उन्हें मुक्त करने के लिए तमाम कार्य किए गए। और हम लोगों ने तो एमएसएमई अधिनिश के माध्यम से 1,000 दिवस तक किसी भी विभाग में निरीक्षण से छूट का प्रावधान भी उनको उपलब्ध करवाया। आज परिणाम है कि सरकार के द्वारा उन्हें जो प्रोत्साहन दिया गया वो परिणाम वो हमारे लिए रोजगार सृजन का भी माध्यम बना है और औद्योगिक निवेश की आधार स्थापित करने का भी एक आधार बना है। इस दिशा में इसने हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। आज 1,56,000 करोड़ रुपए का निर्यात उत्तर प्रदेश दिशा में आगे कर रहा है, बढ़ा रहा है। महोदय, ऐसे अलग अलग फील्ड में हथकरघा में प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में प्रदेश ने हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया किया है। प्रदेश के अंदर हमने को विद्युत वितरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। आपके समय में विद्युत वितरण में भी भेदभाव होता था, अब भेदभाव नहीं होता, अब तो सभी 75 जनपद एक समान रूप से बिजली प्राप्त करते हैं। 1,21,000 से अधिक मजरों में तो विद्युतीकरण का काम संपन्न किया गया। कुल विद्युत का उत्पादन जो 2012 से 17 के बीच में 18,631 मेगावाट थी, आज 17 से आज की स्थिति क्या है, 30,000 मेगावाट की विद्युत की अतिरिक्त क्षमता हमारे पास आज की है। प्रदेश के अंदर इस दिशा में हमने सोलर पावर के लिए भी एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। हमारा मानना है कि प्रदेश को आने वाले समय में जीरो नेट की तरफ जाना ही होगा और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। और हम लोग चाहेंगे कि जो सरकार की बायोफ्यूल की पॉलिसी है, रिन्यूएबल एनर्जी की है और फ्यूचर की हाइड्रोजन एनर्जी की फील्ड में जो कार्य होने जा रहा है, अनेक संभावनाओं को आगे विकसित करने जा रहा है। ट्रांसमिशन क्षमता को 16,348 मेगावाट से आप बढ़ा करके
इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 28,000 मेगावाट और 25 से 2025 तक 32,000 मेगावाट से अधिक करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है और यह सरकार की योजना का हिस्सा है। महोदय, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, शिवपाल जी पता नहीं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आपके पास था कि नहीं था, आपके पास छीन लिया गया होगा, आने तो ये गड्ढे नहीं होते सड़कों पे, और तो हटा दिया, इसीलिए आप लोगों ने हटा दिया ना, इसीलिए तो हटा दिया। ओ भाई, मैं कह रहा हूं ना, तो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उसको बेहतर किया गया है, 4 लेन के साथ जोड़ा गया है, 54 ऐसे मार्ग हैं जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में आते हैं, नेपाल से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब से जुड़े हुए। अगर आप लोग शिवपाल जी को रखे होते तो संभवतः जनता एक वो नहीं बोलती उस समय कि जहां पे देखो, यानी जहां सड़क पे गड्ढे दिखाई दे तो समझ लो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आ गया है। आपके समय नहीं था इसलिए आपको हटा दिया ना, हाँ हटा दिया इसलिए। लेकिन 2017 के बाद आज गड्ढा मुक्ति अभियान, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस हाईवेज कार्यालय भारत सरकार ने क्या किया, थोड़ा दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे एक बार नेता विरोधी दल चल लेते तो उनको पता लगता कि क्या किया है। 12 लेन का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यह हाईवे बना है, 3 से 4 घंटे लगते थे, आज मात्र 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। लखनऊ से कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है। अभी परसों ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार ने किया है। दिल्ली से सहारनपुर जोड़ने के लिए जो कार्य हुए हैं, अन्य तमाम उस पर जो कार्य चल रहे हैं, ये सब बताते हैं कि कार्य हुआ है। पहले की तुलना में उत्तर प्रदेश अपने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, यही लोगों के विश्वास का प्रतीक बना है, इसी से आम जनमानस का विश्वास बढ़ा है। और मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में काफी प्रगति की है और उत्तर प्रदेश इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर ग्रामीण, ग्राम्य विकास और नगरीय क्षेत्र में भी एक नए प्रोजेक्ट की व्यवस्था, इसमें एक नई प्रस्ताव भी दिया गया है, मातृभूमि योजना। कोई प्रवासी उत्तर प्रदेश का, कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के बाहर रहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी एक फील्ड में अपना निवेश करना चाहता है, यानी अपने गांव में अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई कन्वेंशन सेंटर, कोई सामुदायिक भवन या कोई भी ऐसा सेंटर बनाना चाहता है, तो राज्य सरकार ने उसके लिए मातृभूमि योजना प्रारंभ की। मातृभूमि योजना जिसके माध्यम से उसे सरकार भरपूर सपोर्ट करे, 60% पैसा वो देगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लगाएगी, और बड़े पैमाने पे लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1,07,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर जो झांसी के अंदर काम कर रहा है, बहुत अभिनंदनीय कार्य किया इस प्रोड्यूसर ने, लगभग 150 करोड़ रुपए का इनका वार्षिक टर्नओवर है और 13 से 14 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। केवल महिला स्वयं, महिलाओं का समूह है यह, महिलाओं का उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी
उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर ग्राम पंचायत के पास बैंकिंग लेन देन का काम ये सभी बहनें कर रही हैं और अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। गांव गांव में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यह ग्रामीण सेक्टर में भी प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे एलईडी स्ट्रीट लाइट से आपको वहां की सड़कें जगमगाती हुई दिखाई दे रही होंगी। स्वामित्व योजना में 50 लाख से अधिक परिवारों को जहां पे उसका घर है वहां का मालिकाना अधिकार घरों ने उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका। यह प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है, देश के अंदर पहली बार हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी के इसके लिए आभारी हैं कि उनकी प्रेरणा से आज यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर और इसका लाभ प्रदेश के गरीबों को प्राप्त हो रहा है, हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है। अन्य तमाम सेक्टर्स में तो वास्तव में राम राज्य, यही तो कहा है रामचरितमानस ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहो व्यापा, सब नर करहिं परस्पर प्रीति चलहिं स्वधर्म नित सुति। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें बुरा है? ये दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, एक शारीरिक है, एक मानसिक है यानी आध्यात्मिक बोल सकते हैं, एक दैवीय प्रकोप है, आपदा है, एक ये जो माफिया और आतंकियों का है ये भौतिक ताप है। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक व्याधि और आधिक दैविक आपदा, किसी प्रकार की आपदा। इन तीनों प्रकार के तापों को रोकने के लिए, तीनों प्रकार के दुख को रोकने की सामर्थ्य किसी में है, उसके लिए सद्भावना चाहिए, सत्संकल्प चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है तो अच्छा ही होता है। ये जो गरीबों को मकान मिल रहे हैं, क्या किसी की जाति पूछी गई? किसी का मत और मजहब पूछा गया? शौचालय दिए गए, क्या किसी को पूछा गया? सबको दिया गया, सबका साथ सबका विकास, यही राम राज्य है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही राम राज्य है। और उसको समझने का अगर आप प्रयास किए होते तो इस मृग तृष्णा में नहीं फंसते। और इसके बारे में जो आचार्य रजनीश ने कहा था, वैसे नहीं कहा, कुछ थी इस प्रकार की चीजें जो व्यवहारिक नहीं थी। जो व्यवहारिक नहीं होगा वो कभी सच नहीं हो सकता। जो सत्य होगा हर देश हर काल हर परिस्थिति में, वो सत्य होगा और शाश्वत भी होगा। और हम इस बात को ध्यान में रखें, हमेशा विरासत को न कोसें, विरासत को न कोसें। नेता विरोधी दल कह रहे थे कि आपने कह दिया भाई, अगर आप आक्षेप करेंगे तो उसका जवाब तो आक्षेप के रूप में ही होगा, प्रश्न टेढ़ा होगा तो उत्तर भी तो टेढ़ा ही होगा, वो सीधा थोड़े हो सकता है। सदन की मर्यादा को तो हमें स्वयं देखनी चाहिए। हम सबको संकल्प लेना हो प्रदेश $1 trillion की इकोनॉमी बने, ये सबका संकल्प होना चाहिए, पूरे सदन का संकल्प होना चाहिए। और बजट उस मंशा को पूरा करने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा है, सबका आह्वान कर रहा है, हर एक सेक्टर को प्राथमिकता देने का प्रयास हुआ है। मैंने प्रयास किया, अभी कुछ सेक्टर पे यहां चर्चा होगी, सदन पे चर्चा होगी, और मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा, मेरे सहयोगी वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत जो बजट है, इस बजट को पास करने में सभी लोग सहयोग करें, उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें, 25 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य से अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ करके कार्य करेंगे, तो सचमुच उत्तर प्रदेश
देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनेगा और उत्तर प्रदेश को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस जिम्मेदारी के साथ ही ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, G20 के समिट हुए थे, पे हमारा काम है सुंदरीकरण करना। हम के अतिथि आएंगे, हम सुंदरीकरण किए थे, हमने खूब सजाया था, खूब सजाएंगे आगे भी। अब जिसका काम चोरी करना होगा वो चोरी तो करेगा, क्या करेंगे आप? हमारा काम है अच्छा करना, हमारा काम है हर गरीब के जीवन में खुशहाली लेके आना, उनके लिए फूल बिछा देना, स्वागत के लिए उनको खूब आवभगत करना। लेकिन जिसकी प्रवृत्ति ही शूल पैदा करने की होगी, उससे फूल की उम्मीद कैसे आप कर सकते हैं? और इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि राम राज्य की अवधारणा समाजवाद से नहीं, सत्संकल्प से होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़कर की होगी। एक ऐसी अवधारणा जिसमें भेदभाव किसी के साथ ना हो, न जाति, न मत, न मजहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये राम राज्य का सबसे मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं वित्त मंत्री को, उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं और पूरे सदन से अपील करूंगा कि इस बजट को पास करके उत्तर प्रदेश सर्वसमावेशी एक समग्र विकास की आधारशिला रखने वाले आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इस बुनियाद को और मजबूत करने में अपना योगदान दें। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मत संख्या अधिकार का कोई जी क्या स्पष्टीकरण किस बात का? ये तो चर्चा नहीं, चर्चा पर कोई माननीय वर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक निधि की 5 करोड़ घोषणा किया था। अरे वो हो चुकी है कई बार बात, वो आप वहीं पर अटके हुए हैं। बहुत बार बढ़ चुके हैं, हम कहाँ अटके हैं? आप कहाँ अटके हुए हैं? अरे हो चुका है, वो बहुत बात बहुत पीछे भी छूट चुकी है, उसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय वित्त मंत्री जी, विधायक निधि का इसमें कर दिया गया, राज्य का प्रोविजन है 5 करोड़ का, नहीं कोई वो नहीं। माननीय वित्त मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे क्या? माननीय वित्त मंत्री जी, आपने कुछ कहना है कि मैं आगे कर लूं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से सभी विषय के ऊपर अपनी बात कह दी। हम केवल एक बात कह के इसको कंक्लूड करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से जितनी बातें सदन में उठाई गई थी, हमारे सभी विपक्षी साथियों ने उन सभी का जवाब तो आ गया। हम केवल एक ही बात कहेंगे, आप लोगों ने बार बार एक बात कही विपक्षी लोगों ने कि ये बजट दिशाहीन बजट है। हमने आपके लिए कहा, आप तो हमारे मित्र हैं, आपका आप क्यों कहेंगे? आप ऐसा क्यों कहेंगे? हमने तो विपक्षी लोगों के लिए कहा, आप तो हमारे साथी हैं। अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी की और योगी सरकार के इस बजट की दिशा मान्यवर केवल एक ही है, जो ये कहा गया था कि हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का होगा, असेवितों का होगा। और यह बजट पूरी तरह से इस बात को साबित करता है मान्यवर कि हर चीज हमने गरीब को केंद्र में बांधकर उसको यह बजट बनाया गया मान्यवर। और ये दिशाहीन बजट नहीं है, गरीबों को केंद्र में रख के ही बनाया गया। हम आपसे केवल एक ही बात पूछना चाहते हैं, जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, उसके बाद 2.25 साल तक आपकी सरकार रही, एक भी मकान 11,000 स्टेशन तो किया गया, लेकिन दिया एक भी मकान नहीं गया गरीबों, एक भी नहीं दिया गया। और योगी जी ने आने के बाद लाखों मकान शहरी क्षेत्र में और देहाती क्षेत्र में दिए। आज भी बजट में 9,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में ये आज भी की गई। और मान्यवर,
जो भी आपने नहीं, आपने जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया हमारी विकास दर के ऊपर, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो भी हमने बजट में अनुमान दिया है कि हम 19% की विकास दर देंगे, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं और हमारी FRBM की जो लिमिट है उसके अंतर्गत हम रहेंगे मान्यवर। इसलिए हर जी 16, आपकी 12 थी, हमारी 16 है आज की तारीख में, 22-23 में 16 है जो 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 हमारे बजट का अनुमान है उसके हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा मान्यवर। मान्यवर मैं जितने लोगों ने 134 लोगों ने इस बजट पे बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विषय का जवाब दे दिया और मैं समझता हूं कि अब इसमें हाँ उत्तर खाली नहीं आया है। देखिए ऐसा है, आप हमारे मित्र हैं, आप लोगों का भी है सवाल, मात्र ये है कि जो 5 करोड़ ये लोग कह रहे थे कि बजट दिशा विहीन है, कह रहे थे ना कि बजट में कुछ नहीं है, लेकिन हम कह रहे नहीं, सर बजट में सब कुछ है, हम लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, खाली ये कह रहे हैं जो 5 करोड़ आप दिए हैं उसी में से ना बजट में से, तो उसमें GST खाली हटा दीजिए बस, कुछ मत करिए। मान्यवर मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो पक्ष और विपक्ष के लोगों ने चर्चा में भाग लिया, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत विस्तार से हर विषय के ऊपर जवाब दिया। मान्यवर हम विकास की सोच लिए हर कदम बढ़ाते जाते हैं, हम विकास की सोच लिए हर कदम बढ़ाते जाते हैं, नई फिजाएं निर्मित कर हर कोने शमा जलाते हैं, नई विकास की सोच नई फिजा में निर्मित कर नई फिजाएं सुनो तो शमा जलाते जाते हैं। ये फिर से मान्यवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बजट की सामान्य चर्चा पर उदारता पूर्वक दिन में और रात में 12 बजे तक सदन चलाया और सभी लोगों को इसमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन को सूचना, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की अपनी आज दिनांक 1 मार्च 2023 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की गई। दिनांक 2 मार्च 2023 को अनुदान संख्या 12 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन, अनुदान संख्या 31 चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण एवं अनुदान संख्या 35 चिकित्सा विभाग परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 93 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 95 सिंचाई विभाग अधिष्ठान के अनुदानों मांग पर विचार एवं मतदान करा लिया जाए। दिनांक 3 मार्च 2023 को अनुदान संख्या 10 कृषि तथा अन्य संबंधित विभाग, औद्योगिक एवं रेशम विभाग, अनुदान संख्या 11 कृषि तथा संबद्ध विभाग कृषि की अनुदान मांगों पर विचार मतदान करा दिया गया, शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा। प्रश्न ये है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी इसके लिए भी व्यवस्था की गई है और निराश्रित गौ आश्रय स्थल के लिए भी, मैंने पिछली बार विस्तार से इसके बारे में बताया है, दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए भी इस बजट में प्रोत्साहन निधि की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोर्ड सब्सिडी योजना, इन सब के लिए भी व्यवस्था की गई है और जल जीवन मिशन हर घर नल के लिए भी 22-23 के बजट में 19,500 करोड़, 23-24 के बजट में 21,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को हम आगे बढ़ा सके। महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए हमारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि 2017 के पहले बाढ़ की स्थिति प्रदेश के अंदर क्या थी, चौंतीस से लेकर 38 जनपद ऐसे थे जो अति संवेदनशील और संवेदनशील थे। आज हमने इसके दायरे को कम किया है,
नदियों के ड्रेजिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, नदियों को चैनलाइज किया है और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया जा चुका है। 23-24 में 277 परियोजनाओं को भी पूर्ण करने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए, वे बड़ी परियोजनाएं हैं, मध्यम सिंचाई की परियोजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, उनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था, अन्य नदी कटान से अन्नदाता किसानों की उपजाऊ भूमि को रोकने के लिए उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, शिक्षा सेक्टर में भी इस सरकार का पूरा फोकस है और इस पर सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी, इन सभी शिक्षा सभी पे फोकस करते हुए कुछ न कुछ अच्छा किया है, अच्छा करने का प्रयास किया है। अगर इसमें देखेंगे पहले क्या होता था प्रदेश में, कहां हम प्रदेश को लेके चले गए थे, मध्य प्रदेश की एक छोटी सी झलक अगर इसके बारे में मैं बताऊं, प्रदेश के अंदर ये 2015 का है, विकास के हर मोर्चे पर पिछड़ा यूपी। वर्ष 2013-14 में राज्य की जीडीपी 5.8% गिरकर 5 पर आ गई है। कृषि के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का की भी सुधार सुस्त रफ्तार, ये 2015 की है। नेशनल सैंपल सर्वे 2015 शर्मनाक, लखनऊ में देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार। पांच मार्च 2015 बीआरजीएफ गोटोला, लूटता रहा सरकारी पैसा, किसी ने देखा नहीं। हर जिले में उड़ी नियमों की ध्वजियां, निगरानी तंत्र रहा महज कागजी, ये सुर्खियां होती थी। और शिक्षा की बात करूं मैं, ये भी है, सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते, ये 2015 का। 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, ये उत्तर प्रदेश का है 20 अगस्त 2015। 91.2% बच्चे, तीसरी कक्षा के बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। 75% बच्चे, पांचवी कक्षा के बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते। 69% पांचवी कक्षा के बच्चे घटाना भी नहीं जानते। 67% चौथी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा या हिंदी का पाठ भी नहीं पढ़ पाते, ये 2015 की स्थिति थी। और इन बच्चों के बारे में ध्यान देने की बजाय नेता अफसर के बच्चे पढ़ते तो क्या ऐसे ही बदहाल होते स्कूल, ये भी टिप्पणी थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल, रिजल्ट के लिए 2-2 साल का इंतजार करते हैं अभ्यर्थी, इंटरव्यू में नियमों की अनदेखी, स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल। यानी ये प्रदेश की स्थिति थी। खुदकशी पर सियासत,
किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं। ये 6 अप्रैल 15 का, और सरकार किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें इस पर राजनीति। आत्महत्या या हार्ट अटैक से 100 से ज्यादा मौतें। ये राज्य की स्थिति थी 2014 में, सूखा, रुपये 490 करोड़ मिले पर बंटे नहीं। ये भी 17 मई 2015 का है। ये माननीय प्रदेश में होता था, पूरा सूबा तो छोड़िए, महज 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंच सकी मदद। और 15 की एक और सुर्खी है, सीएम ने माना किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये है मजबूरी। नहीं, ओह, सवाल ये है, आप जैसा प्रश्न करेंगे वैसे उसका चल। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा, नहीं उस समय की क्या सुर्खियां थी, अरे आप तो बेकार हैं, अब क्यों बेकार होकर हैं? आप भी वही मुद्दे जो मैं बोल रहा हूं उसको आपने भी उस समय उठाया होगा। आप काहे परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए उस समय हम उठाते थे, आज सरकार ने उसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है, उसको हटाने के लिए, उससे मुक्ति के लिए सरकार का अभियान चल रहा है। जब आप 12 से 17 की सरकार की टिप्पणी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आपकी स्थिति वही हो जाती है कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे कम से कम आपको तो नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसके हिस्से रहे हैं, बोलते रहे हैं उस समय, और इसीलिए मैंने याद दिलाया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव, विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति थी, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी, नियुक्तियों में लेट लपी थी, कौशल विकास पर सरकार का कोई फोकस नहीं, भविष्य के दृष्टिगत नवीन पाठ्यक्रम को लेकर कोई रोडमैप नहीं, और मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार व्याप्त थी। महोदय, 2017 के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमारे 91% से अधिक स्कूल अब तक सैचुरेट हो चुके हैं। 2016-17 में जो मात्र 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ते थे, आज संख्या 1,91,00,000 हो चुकी है। प्रदेश के अंदर ड्रॉप आउट रेट लगातार घटा है, और प्रदेश में शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी भी की गई है, 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। डिजिटल लर्निंग में गुणवत्ता शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की स्थापना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका। निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग आदि के लिए अभिभावकों के खाते में गत वर्ष से हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से धनराशि देनी प्रारंभ की है। 1200 रुपये प्रति छात्र भेजी जा रही है। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है। उन वंचित क्षेत्रों में जहां पर कभी स्कूल नहीं बन पाए थे, बनटांगिया गांव हैं, बहुत छोटे छोटे समूह हैं, उन सभी तक भी हम पहुंचने की कार्रवाई को हमने बजट में भी उसकी व्यवस्था की है। शिक्षा माफिया पर नकेल कसी गई है। नकल विहीन स्वच्छतापूर्ण परीक्षा व्यवस्था आज प्रदेश की पहचान बन गई है। अब इस असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हो रही है। स्मार्ट क्लास, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम
और डाटा प्रबंधन, ये सभी इसमें आज बन रही हैं। और महोदय, इन सब के साथ साथ माध्यमिक में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस रहे हों उनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और यानी शासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करेगी, जिससे जर्जर बिल्डिंग के नीचे बच्चों को पढ़ना ना पड़े, उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल सके, इसके लिए भी जज में इसका व्यवस्था किया गया है। संस्कृत विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालय जर्जर थे, संस्कृत भारतीय संस्कृति की आधार है, इसके लिए भी उन विद्यालयों के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और संस्कृत को प्रोत्साहन करने के लिए स्कॉलरशिप, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। उच्च शिक्षा में प्रदेश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाए गए हैं। पहली बार 11 विश्वविद्यालयों ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में सहभागिता की है। 4 विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग के लिए उस रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। और प्रदेश के अंदर असेवित जो हमारे कमिश्नरी थी उनमें विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी पैसे की व्यवस्था बजट में की गई है। इसमें देवीपाटन मंडल में, मिर्जापुर मंडल में और मुरादाबाद मंडल में भी इसकी व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही यूथ के लिए एक CM इंटर्नशिप की स्कीम भी लागू की गई है। BA, BSc, BCom पढ़ने वाले छात्र टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए हमने पहले से इसको घोषित किया है, लेकिन इन छात्रों को भी हम इंटर्नशिप के साथ जोड़ेंगे और उन्हें अनुभव भी हो सके, वे अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने स्वयं पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए भी आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी या इंस्टीट्यूशन देगा, आधा शासन देगा, इस व्यवस्था के साथ। तो इंटर्नशिप स्कीम भी हम लोगों ने लागू की है। उत्तर प्रदेश के युवा कोरोना कालखंड में हमने देखा था हमारे लगभग 14,000 से 15,000 छात्र ऐसे थे जो राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन होने और उन छात्रों को वापस घर में लाने की जब समस्या आई, हम लोगों ने उस समय यहां पे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को वहां भेजा था, उन्हें सुरक्षित वापस लाने का काम किया। और उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी कि अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हम प्रारंभ करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं भी जाने की नौबत ना आने पाए। उनके जनपद में, उनकी कमिश्नरी में उन्हें सुविधा प्राप्त हो सके। सभी 18 कमिश्नरी में पहले से सुविधा प्राप्त हो चुकी है। 75 जनपदों में इसे ले जाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और उन छात्रों को अलग अलग सुविधाएं दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 43 छात्र वे आए हैं जो अभ्युदय कोचिंग से, जिन्होंने कोचिंग ली थी वे छात्र उसमें स्थान प्राप्त किए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर न्यू एज कोर्सेज को, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस,